इट्स वैल्यू डिप्रिकेट्स 6% इन द फर्स्ट ईयर, 5% इन द सेकेंड ईयर एंड 4% इन द थर्ड ईयर. तो व्हाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर वन अपॉन 100 और 1 माइनस, तो ए इज इक्वल टू 16,000 और आर वन, तो 1 माइनस के 6 अपॉन 100 सेम 1 माइनस 5 अपॉन 100 और 1 माइनस 4 अपॉन. इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% के हिसाब से वो हर साल बढ़ी. फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2010, तो 2010 में हमें बताना है उसके 20,000 और 100 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 20,000, तो 1,155 अपॉन 100 की पावर 3. हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.8 स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि आप एक्सरसाइज 6.8 को देखने से पहले एक्सरसाइज 6.7 जरूर देखें, क्योंकि यह एक्सरसाइज 6.7 से रिलेटेड है, फॉर्मूला रिलेटेड है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स और मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह भी करना चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं. तो आपका कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि आप इस चैनल को लाइक करें. जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ एक टिक करना है आपको हाथ से. और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक टिक ही करना है, क्या? सब्सक्राइब करने के लिए. ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. और हमें अच्छे से क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. और हमें जो क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है. ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीनरी इज 16,000 इफ इट्स वैल्यू डिप्रिकेट्स 6% इन द फर्स्ट ईयर, 5% इन द सेकेंड ईयर एंड 4% इन द थर्ड ईयर. तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स? तो हमें बताना है कि 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. P इज इक्वल टू 16,000 डिप्रिकेट्स आफ्टर डिप्रिकेट्स रेट ऑफ इक्वल टू आर वन आर टू और आर थ्री. इक्वल टू क्या क्या दिए हुए हैं? 6%, 5% और 4%. ठीक है, और टी क्या दिया हुआ? टाइम. टी इक्वल टू 3 ईयर. तो द कॉस्ट ऑफ मशीनरी आफ्टर 3 ईयर, द कॉस्ट ऑफ आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 1 माइनस आर वन अपॉन 100 और 1 माइनस पी 1 माइनस आर टू अपॉन 100 और 1 माइनस आर थ्री अपॉन 100. इसमें वैल्यू रख देंगे फॉर्मूला में, तो ए इज इक्वल टू 16,000
और आर वन, तो वन माइनस के सिक्स अपॉन हंड्रेड सेम वन माइनस फाइव अपॉन हंड्रेड और वन माइनस फोर अपॉन हंड्रेड, तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड, यहाँ से हंड्रेड माइनस सिक्स अपॉन हंड्रेड और सेम हंड्रेड माइनस फाइव अपॉन हंड्रेड सेम हंड्रेड माइनस फोर अपॉन हंड्रेड, तो सिक्सटीन थाउजेंड यहाँ से बचेगा नाइन्टी फोर अपॉन हंड्रेड और यहाँ से नाइन्टी फाइव अपॉन हंड्रेड और यहाँ से नाइन्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड, तीन जीरो से तीन जीरो उड़ा दो, टू से टू एट जा सिक्सटीन और टू फाइव जा टेन, फोर से फोर टू जा एट, फोर टू जा एट और फोर फाइव जा ट्वेंटी, ठीक है और भी कुछ नहीं, तो टू वन जा टू, टू नाइन जा सॉरी फाइव से फाइव वन जा फाइव और बचे फोर्टी नाइन, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, टू मल्टीप्लाई नाइन्टी फोर मल्टीप्लाई नाइनटीन मल्टीप्लाई नाइन्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो आंसर क्या आएगा इसका थ्री फोर टू नाइन वन टू अपॉन ट्वेंटी फाइव और इसका करेंगे तो वन थ्री सेवन वन सिक्स पॉइंट फोर एट, ये आंसर हो जाएगा जब इसको करोगे डिवाइड, ट्वेंटी फाइव बन जाए ट्वेंटी फाइव, बचे कितने नाइन, नाइन्टी टू हो गया और सेवेंटी फाइव, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज ट्वेंटी थाउजेंड इन द ईयर टू थाउजेंड सेवन, तो 2007 में 20,000 पॉपुलेशन थी सिटी की, इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% के हिसाब से वो हर साल बढ़ी, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2010, तो 2010 में हमें बताना है उसके 2010 के एंड में कितनी पॉपुलेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर टू है, इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, इक्वल टू 20,000, ठीक है, इंक्रीज्ड पर ईयर पॉपुलेशन आफ्टर थ्री ईयर, इंक्रीज्ड पर ईयर पॉपुलेशन आफ्टर थ्री ईयर, इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन पॉपुलेशन और वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन, तो करते हैं ट्वेंटी थाउजेंड वन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड और एन कितना दिया है थ्री ईयर, ट्वेंटी थाउजेंड और वन हंड्रेड प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड की पावर थ्री और ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड, तो वन थाउजेंड वन फाइव अपॉन हंड्रेड की पावर थ्री, ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई वन जीरो फाइव मल्टीप्लाई वन जीरो फाइव मल्टीप्लाई वन जीरो फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड, तो चार जीरो से चार जीरो उड़ा दो, टू से टू फाइव जो फिफ्टी जीरो, फाइव से फाइव टेन जा फिफ्टी और फाइव टू जो टेन जीरो वन, फाइव से फाइव टू जो टेन और फाइव टू जो टेन और फाइव बन जा फाइव, और कुछ नहीं जा रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू वन जीरो फाइव अपॉन टू, फोर सिक्स थ्री जीरो फाइव अपॉन टू, तो जब इसे काटेंगे तो कितना बचेगा टू थ्री वन फाइव टू पॉइंट फाइव, तो पॉइंट में है तो इसे लिख देंगे
23153 अप्रोक्सीमेट यही आएगा, क्योंकि 15.5 है, 15 2.5 तो अप्रोक्सीमेट कितने के 153 के अप्रोक्सीमेट बैठ रहा है, तो इसलिए हमने इसको सीधा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वैल्यू ऑफ अ कार डिप्रिकेट्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 65,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, जब अभी प्रेजेंट में कितनी है 65,000 है और 10% पर एनम के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो घट रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वैल्यू ऑफ कार 65,000 है, रेट क्या दिया हुआ है, आर इजकल टू 10% और टी इजकल टू क्या दिया हुआ है 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर कार वैल्यू इजकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल प्राइस फाइनल प्राइस इजकल टू इनिशियल और 1 + R/100 n। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 65,000 और 1 + R की क्या है, R क्या है 10 और टाइम क्या है 3, लेकिन इसमें प्लस नहीं माइनस आए क्योंकि वो डिप्रिकेट्स वैल्यू बोली है, उसने घट रही है उसकी वैल्यू, तो 100 - 10/100 3 इतना समझ में आया। अब आप कहोगे कि हम ऐसे कैसे पहचानेंगे कि मैम ये फॉर्मूला एक तो प्लस का है इसमें और एक माइनस का है, तो जहां पर डिप्रिकेट्स बोले जहां पर वैल्यू उसकी कम हो रही हो तो वहीं पर माइनस का फॉर्मूला लगाना है, अन्यथा प्लस का फॉर्मूला ही लगाना है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जहां पर वैल्यू कम कर रहा हो आफ्टर 3 ईयर, जैसे कि अभी 65,000 दी हुई है, आफ्टर 3 ईयर पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी घटकर, तो जहां पर घटने की बात करें तो वहीं पर इसको आप माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, अन्यथा प्लस का फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाइन्टी अपॉन हंड्रेड इंटू नाइन्टी अपॉन हंड्रेड, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो और 3 जो जीरो बची हैं इन जीरो को उड़ा दो। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 729 बचेगा इंटू 65, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 47,385। तो ये बचेंगे 3 साल बाद इसका प्राइस, 65 से घट के कितना हो गया 47,385 रुपए। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स इंक्रीज 20,000 to 26,620 इन 3 ईयर। ठीक है, तो एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन 3 साल में कितना बढ़ गया 6,620 बढ़ गया, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, तो इसकी हमें ग्रोथ बतानी है कि वो कितने परसेंट पर एनम के हिसाब से उसकी ग्रोथ हुई, कि जो कि 3 साल में कितने हो गए 6,620 रुपए और बढ़ गई जो उसका प्रोडक्शन था। तो इसमें ए इजकल टू क्या है 26,620 और पी इजकल टू क्या है 20,000 और आर हमें दिया नहीं है, तो आर हमें निकालना है इसमें और टी इजकल टू 3 ईयर। ठीक है, तो रखते हैं ए इजकल टू पी 1 + R/100 3, तो ये क्या है 26,620 इजकल टू 20,000 और 1 + R/100 3, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 26,020,000 इजकल टू 1 + R/100 3, इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.331 इजकल टू 1 + R/100 3,
अब इसे सॉल्व करने का और कोई तरीका दिख रहा है तो हम क्या कर ले, टेक क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, तो इसका भी लेंगे 1.331 और इसका भी 1 + r/100³, तो इससे क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल और ये किसका होता है 1.1 का, मतलब 11 का होता है, तो पॉइंट में है तो पॉइंट ही आएगा यहां पर, इक्वल टू 1 + r/100 बचा यहां से, तो इसे प्लस में इधर मल्टीप्लाई, प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा r/100, तो इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.1, 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1.0, तो 0.1 बच गया, इक्वल टू 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इक्वल टू क्या बचा 0.1 मल्टीप्लाई 100, तो पॉइंट हटा के 10, तो 10 जा 100, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया 10%, तो उसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो कितने 10% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द वायरस ऑफ अ कल्चर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5% ड्यू टू मेडिसिन, तो जो वायरस है अगर हम मेडिसिन डाल रहे हैं तो इससे क्या है 5% कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इफ द वायरस काउंट इन द कल्चर एट 10 AM, तो जब वायरस काउंट हो रहा था 10 बजे वॉज 2.3 × 10⁷, फाइंड द वायरस काउंट एट 1 PM ऑन द सेम डे, तो सेम डे 1 PM पर वो खत्म होता है उसकी काउंटिंग, तो कितने घंटा काउंटिंग चली, 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज्यूम करके चलेंगे, एज्यूम द वायरस इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 per hour, 5% वो हर एक घंटा घट रहा है, इस तरीके से हमने मान लिया इनिशियल नंबर ऑफ वायरस पी मान लिया, ठीक है, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इज आर मान लिया, देन आफ्टर एन डैश आवर मान लिया, ठीक है, या पी डैश मान लीजिए, तो करेंगे इनिशियल नंबर ऑफ रेस इज इक्वल टू पी, सेम द रेट ऑफ डिक्रीजिंग वायरस इज इक्वल टू आर मान लिया, देन आफ्टर पी डैश आवर द वायरस रिमेनिंग रिमेनिंग इक्वल टू पी डैश इक्वल टू पी 1 - r/100⁴। अब इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दो, जो जो आपको वैल्यू दी ही हुई है, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ आवर 10 AM
टू 1 PM तो कितने हो जाएंगे, 3 आवर हो जाएंगे। अब वैल्यू रख दो इसकी, तो हमें पता है R इक्वल टू इतना हो गया, सॉरी N इक्वल टू इतना हो गया, और P इक्वल टू क्या है 2.3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, और R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5%। अब वैल्यू रख दो फॉर्मूला में, P डैश इक्वल टू P 1 - R/100 की पावर N, तो क्या है 2.3 की पावर 7 और ये 1 - 5/100 की पावर 3, 2.3 × 10^7 और यहां से क्या बचेगा 100 - 5/100 की पावर 3, तो यहां से बचेगा 2.3 × 10^7 और यहां से बचेगा 95 × 95 × 95/100 × 100 × 100। इतना समझ आया, तो 2.3 × 10^7 मल्टीप्लाई, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 9 20 20 और 25 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 9 और 1 9, तो 19 × 20 × 20 × 20, तो 2.3 × 10^7 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6859/8000। इसका डिवाइड करेंगे 2.3 × 10^7, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 80.857 और इसकी 2.3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.97 × 10^7, तो इसे अप्रोक्सीमेट हम कितना लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं, 1.97 है तो 2.0 लिख सकते हैं इसे हम, 2.0 कुछ करके मल्टीप्लाई 10^7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चाहे तो आप 1.97 पर भी छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 6.8 यहाँ पर समाप्त होती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आप सभी से विशेष आग्रह यही करना चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।